वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। क्या बोलती है पब्लिक? आज भी तीन बकरे जा रहे हैं, जो इमाद भाई है उमरा के, उनके तीन बकरे हैं जा रहे। फीडबैक वीडियो है, डायरेक्टली इमाद भाई से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम इमाद भाई। वालेकुम सलाम भाई। खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह भाई। सुबह से आके बैठे हुए शाम तक मज़ा आया भाई? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़ा आया। जानवर के साथ खेले, मिलाए सब किए। मिलाया मैंने नहीं, आप लोग ने मिलाया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो इमाद भाई कौन से बकरे से स्टार्ट करें ये मेरे को बताओ पहले। भाई जो बकरे से भाई सब अपने बकरे हैं भाई। हाँ, लेकिन कौन सा पहला? ये लेंगे, ये लेंगे, ये लेंगे या किसे? भाई ये अपने भाई ने लिए थे अपने से। हाँ, तो ये भाई का बकरा है, सबसे पहला ये देख लो भाई। ठीक है, तो ये बकरे के बारे में तो आप बात करोगे क्या भाई बात करेंगे? डरे तो ये बकरे के बारे में क्या बोलोगे आप? मतलब लाए थे कब, कौन से महीने में लेके आए थे? ये एक कम ज्यादा 5 महीना हुआ है कुछ, एक अंदाजा मेरे को पक्का याद नहीं है। खुद ही बकरे छोड़ रहे, खुद को याद नहीं है। मतलब दिन तारीख नहीं याद रख पाते ना। सितंबर में आया था बकरा। और क्या वजन पे आया था? एक अराउंड 36-37 कुछ। 36-37। और अभी हम लोगों ने वीडियो भेजे थे तो क्या वजन पे था? 58 केजी पे था ये बकरा। और कैसा था बकरा पहले आया था तभी कैसा जब, था? जब आया था तब तो मैं थोड़ा नाराज होकर आया था। और उम्मीद तो ये नहीं थी जो मिला है। अभी अल्लाह का शुक्र है, पहले तो ना खाना खाता था ना, ये जितना एग्रेसिव है इसका 5% भी नहीं था। अच्छा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो ये तीनों बकरों में यही जानदार है माशाल्लाह। जानदार मतलब एग्रेसिव है, जानदार तो ये बकरा है। हाँ, चलो इमाद भाई तुम्हारे बकरे के ऊपर आते हैं। ये बकरा कौन से महीने में दिए थे आपने? ये भाई इसको एक नहीं बोल के कम ज्यादा 1.5 महीना हो गया भाई। 1.5 महीना पहले दिए थे, तो इतना शॉर्ट टाइम में क्यों दिया हमारे पास? आजमा रहे थे? नहीं, आजमाने की तो कोई बात ही नहीं है। एक्चुअली ये बकरा अच्छा लगा था। हाँ, और कुर्बानी के लिए लेना ही था, तो मेरे हिसाब से मैंने ले लिया था। लेकिन फिर बाद में इसकी नियत मेरी हो गई थी पलटी करने के लिए, तो फिलहाल अभी इसको घर पे तो लेकर जा रहा हूँ, लेकिन घर वालों से भी थोड़ा सलाह मशवरा कि इसकी कुर्बानी है नहीं है, तो अगर नहीं है तो इंशाल्लाह ये वापस यहाँ पे पलटी के लिए वापस आएगा। हाँ, जो लेकिन 1.5 महीने में क्या क्या दिक्कत हम लोगों ने फेस की ये बकरे को लेके? 1.5 महीने में भाई अभी मसला ऐसा था कि बारिश थी, सब थी, तो बीमारी अभी आते साथ ये बीमार पड़ा। पहले इसको बुखार आई, फिर उसके बाद में इसको जुलाब लगे, जुलाब के बाद ये पे गया, तो ये कंटिन्यूसली नहीं भी बोल के 1 महीना तो भाई ये बीमारी था। लेकिन फिर उसके बाद में आपने मेहनत की, इंशाल्लाह सब हुआ। आपने बोले जकात लगाओ, इसका सब दिया। हाँ, वो दिए सब। फिर उसके बाद में माशाल्लाह आज एकदम तंदुरुस्त खड़ा है भाई, अच्छा खासा। तो भी क्या वजन पे आया था बकरा ये? ये भाई अपने पास आया था 74 केजी पे। 74 अभी क्या वजन है कुछ? अभी तो भाई इसका ऐसा तो वजन वगैरह कुछ करा नहीं, जो हिसाब से दिख रहा है। हाँ, अभी तो वजन क्यों नहीं किया अभी भाई? मतलब ही नहीं, अपने को वजन से कुछ लेना देना नहीं है भाई, बकरा हेल्दी रहेगा अपने को वही है। ओके, अपना बस वही है। तो रही बात ये तीसरे बकरे के ऊपर, तो ये कैसा लग रहा है? ये भी भाई माशाल्लाह, मतलब दोनों साथ में ही आए थे। तो आपके सामने हम लोगों ने बकरे निलाए। हाँ, तो हम लोगों ने क्या क्या डाल के निलाए वो आपने देखे इसके अंदर क्या क्या डाले थे? अरे भाई सब चीज से तो भाई पब्लिक अभी आजकल के सब जो लड़के टिकटॉक बनाने वाले उन लोग नहाते भाई, कंडीशनर शैम्पू हो गया, फिर वो उसके बाद में बाल स्ट्रेटनिंग करने के लिए सीरम वगैरह, मतलब खुद देख के हैंग हो गया। मतलब भाई मैं खुद नहीं नहाता ये सब चीजों से, तो फिर तो भाई देखा अच्छा लगा मेरे को अल्हम्दुलिल्लाह। अभी ये वो तो हमारे तरफ से एक समझो कॉम्प्लीमेंट्री है। तो ये बकरा क्या वजन पे आया था? ये बकरा भाई आया था 56 केजी पे, और माशाल्लाह से जब लास्ट मंथ इसके वीडियो भेजे थे तो ये 60 केजी पे था भाई। अच्छा, 60 केजी पे था। और अच्छा, ये बकरे ने भी 1.5 महीने में, ये भी 1.5 महीना पहले आया, 1.5 महीने में आया, ये भी बीमार पड़ा। इसको क्या हुआ था? इसको भी भाई हीट लग गई थी, गर्मी बहुत थी, जैसे नाक में से खून, नाक से वगैरह से खून आ गया था उसके, तो मैं काफी डर गया था। बोला भाई क्या हो गया बकरे को अचानक, फिर बुखार भी इसको, धूप भी ऐसी थी भाई, इंसानों की हालत खराब हो गई, तो बेजुबान क्लाइमेट था। हाँ, तीन क्लाइमेट था, रात में ठंडी हो रही थी, फिर तो बारिश हो रही थी, दिन में कड़क धूप थी। इसको भी आपने टाइम टू टाइम मेडिसिन किए, उसके भी वीडियोस वगैरह आते थे, अपडेट आते थे कि भाई आज ये हुआ है, आज वो हुआ है करके, अपडेट आती थी बराबर। हाँ हाँ, ऐसा है कि कुछ लोग बदनाम करते हैं कि हमारी अपडेट नहीं आती है, और ये नहीं आती है, वो नहीं आती है, बकरे को निलाया नहीं जाता है। सो सिर्फ हवा में बातें होती है कि ये हकीकत है कि हम लोग निला रहे भी क्या कैमरे पे हम लोग बताते कि हम लोग निला रहे? नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है,
पता नहीं उन लोगों ने ऐसा क्यों बोले, हाँ। उन लोगों का एक्सपीरियंस पता नहीं मुझे, लेकिन भाई जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है काफी अच्छा रहा है, और इंशाल्लाह मैं तो यही कोशिश करूंगा भाई कि जल्द से जल्द मेरे को कोई बकरा मिले तो मैं यहाँ लाके आपके पास इंशाल्लाह इंशाल्लाह, क्योंकि रिजल्ट से भी बहुत सेटिस्फाइड हूँ मैं। बकरे के वजन से मेरे को कुछ लेना देना नहीं है, एक ही चीज मेरे को मैटर करती है वो है एक्टिवनेस, और वो तीनों बकरे में भर भर के भाई अल्हम्दुलिल्लाह, ये बकरा भाई है जो मेरे को हिला देता है, तो माशाल्लाह से मैं कुछ तुम्हारे पसीने छूट गए वो भाई के बाल छूट गए, पीठ पूरी भीगी हुई है। तो ओवरऑल आपका मतलब एक्सपीरियंस कैसा रहा, मतलब लास्ट 5-6 महीनों में या 7 महीनों में आरके कोट फार्म पे? एक्सपीरियंस भाई काफी अच्छा रहा, हाँ टू बी फ्रैंक काफी अच्छी तरीके से अपडेट मिलती रही मेरे को, कभी कोई चीज के लिए फॉलोअप नहीं करना पड़ा, और बकरे जैसे थे माशाल्लाह तंदुरुस्त, बीच में बीमार पड़े लेकिन वापस से अल्हम्दुलिल्लाह तंदुरुस्त हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। तो ओवरऑल भाई काफी पकड़ भाई उसको काफी खुश हूँ, और मैं यही रिकमेंड करूंगा भाई के तो ये अच्छे से पलाई करवानी है। आपने तो फर्स्ट टाइम आरके गोट फार्म पे बकरे रखे थे? पहली बार। तो ये हमारा सेंड ऑफ रैप अप कैसा लगा आपको? काफी अच्छा लगा भाई, इसे काफी बकरे में लुक आ रहा है, हालांकि ये बकरा ये साइड से गंदा हो गया है। हाँ भाई, क्योंकि वो वन साइड बैठा हुआ रहता था, और 1.5 महीने में अपन कुछ भी नहीं कर सकते भाई, तो उसका तो कुछ कर नहीं सकते, जो पालने वाला है जो जानकार है उसको तो पता है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, क्या नहीं, वो टाइम टू टाइम बकरा एक ही साइड बैठता है, पेशाब में बैठेगा करेगा तो वो गंदा। और ये भी बकरा उसके साथ में आया था लेकिन एकदम साफ सुथरा, ये एकदम साफ, वो अलग अलग, और वो बकरा सितंबर में आया, वो ये लोग दोनों से ज्यादा साफ सुथरा है, सबसे साफ सुथरा मेरे जैसा है, और ये बाकी दो इनके जैसे। चलो बहुत बहुत शुक्रिया, तो मेरे जैसा ही है बाकी आदतों में। चलो जजाक अल्लाह खैर इमाद भाई, उम्मीद करता हूँ कि अगले साल भी मुलाकात होगी आपकी, बकरे रखे ना रखे लेकिन फार्म पे जरूर विजिट करना, ठीक है? अटैचमेंट है अपना, अटैचमेंट कंटिन्यू रहे फार्म आपका, एक तरीके से मेरा ही फार्म है। हाँ। तो लेकिन आज ये स्टेज के ऊपर कैसा लग रहा है, ये स्टेज है किसका एग्जैक्टली? ये स्टेज भाई उस बकरे के लिए जिसका मैं काफी टाइम से इंतजार कर रहा हूँ, वीडियो भी देखने के लिए तड़प रहा हूँ, लेकिन भाई तुम दिखा नहीं रहे, आएगा सबका दिन आएगा भाई, लाइव आके देख लो, डेफिनेटली देखना ही है, तो बस इंतजार है भाई की कब भाई लेकर कैसा लगा, अरेंजमेंट कैसा लगा उसके लिए? तो माशाल्लाह तो सोचा क्या भाई जब तक वो नहीं आता है तब तक आप लोगों के बकरे शूट कर ले? मैं तो चाह रहा था कि भाई वही सबसे पहले स्टेज में आए, लेकिन आपने बोले तो भाई अच्छा भी लगा कि भाई आप इतना इज्जत दे रहे हैं। अभी बहुत काम बाकी भी है इसमें, एक्चुअली लाइटिंग वीटिंग बहुत बाकी है इसके अंदर, बकरा जो आ रहा है उसकी झलक एक देखा हूँ मैंने, एक्साइटेड हूँ देखने के लिए। जजाक अल्लाह खैर भाई, जजाक अल्लाह खैर, बहुत बहुत शुक्रिया आरके गोट फार्म को, मतलब हम लोगों की खिदमत आजमाने के लिए और हम लोगों को खिदमत का मौका देने के लिए, और ये बकरे अल्लाह ताला आपके घर पे जा रहे, अगर कुर्बानी आप करने वाले हो तो अल्लाह ताला आप लोगों की कुर्बानी कबूल करे, आमीन आमीन सुम्मा आमीन, अल्लाह ताला रोज़ी रोटी में बरकत दे, इससे ज़्यादा का शौक करे। ये ज़रूरी नहीं है आप आरके गोट फार्म पर ही बकरे रखे, बहुत सारे फार्म हैं, मैं नहीं चाहूँगा कि मेरे फार्म की खाली रोज़ी रोटी चले, सब फार्म है उनके पास भी है, अगर आप ज़्यादा शौक बढ़ाते हो तो सब जगह पे मैं सोचूंगा, मेरी एक ख्वाहिश है डिवाइड करके रखे हर जगह पे बकरे, इंशाल्लाह कोशिश करूँगा, लेकिन कैसा है भाई कि जब एक बार भाई मन लग जाता है, और अभी ये साल सेटिस्फाइड हो, ये साल तो अगले साल मैं देखो, इम्यूनिटी और अल्लाह के हाथ में है, बकरे की इम्यूनिटी और आप लोगों के नियत के फैसले होते हैं। फार्म वाला सिर्फ खिदमत कर सकता है, बकरा नहला सकता है, दवाई दे सकता है, और उसको उसके पीछे खिदमत कर सकता है ज्यादा से ज्यादा। आप मैजिशियन नहीं हो, आप कैटेगर हो, पब्लिक को समझना चाहिए, जो मतलब ये तरीके से समझ गया भाई तो उन लोग का सब कुछ आसान हो जाएगा, बेशक क्योंकि लेकिन केयर टेकर हो भाई आप, हम लोग के बकरे का ख्याल रखते हैं, समझ लो ये हमारे बच्चे ही है, और हम हमारे बच्चे तुमको देखे जा रहे हैं जी ख्याल रखने के लिए, तो फिर भाई आप इतने तरीके से ख्याल रखते हो, और एक दो नहीं है भाई, 400-300 जितने भी आपके पास है माशाल्लाह से, मैं काउंटिंग तो नहीं किया, काफी ज्यादा है भाई, वो काउंटिंग के रेस में भी नहीं जाना है हम लोगों को, हम लोगों को अपना एक लिमिट में ही काम करना है अल्हम्दुलिल्लाह। चलो ये बकरे, चलो आज तुम बकरे लेके गए, लेके जा रहे अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे पास भी जगह नहीं थी, कल अचानक में किसी के 16 बकरे आ गए मेरे पास पलाई पे, अगले साल के लिए तो हाँ क्वारंटाइन रूम में थे जो, तो अब भी तुम्हारे सामने हम लोग एडजस्ट कर रहे थे उन लोगों को, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करोड़ों करोड़ों ऐसा नहीं भाई, तुमने तो ऐसा कर दी, ये बकरे को मैंने निकाला और तुमने दूसरे बकरे को केज में देखता था, मेरा रूम है, जगह ही नहीं है। उम्मीद करो कि हम लोग जब भी जगह बना रहे तो और बनाए, और लोगों को और लोगों के बकरे रखे, एक मेरे लिए केज रखना इंशाल्लाह इंशाल्लाह बहुत जल्द।
इंशाल्लाह, ये नहीं तो कोई और बकरा इंशाल्लाह जरूर। जज़ाकअल्लाह खैर। चलो बस दुआ में याद रखना, अपना ख्याल रखना, वो कुछ वो नहीं होएगा अभी। चलो बस दुआ में याद रखना, अपना ख्याल रखना, गरीबों की मदद करना भूलना नहीं, अपने अम्मी अब्बा का फर्मा बदा बनो, ज़्यादा से ज़्यादा झाड़ लगाओ, क्लीन इंडिया ग्रीन इंडिया पॉल्यूशन फ्री इंडिया, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।